दिव्या भारती बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन जिनकी फोटो या फिर वीडियो लोग अगर आज भी देख लेते हैं तो उनका दिल एक बार तो जरूर धड़क जाता है। दिव्या भारती जो सिर्फ 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उनका बॉलीवुड का करियर सिर्फ 3 साल का ही रहा, लेकिन इन 3 सालों में दिव्या भारती ने वो कमाल कर दिया जो आज की बड़ी बड़ी हीरोइंस भी नहीं कर पाई हैं। मगर इतनी छोटी उम्र में ही दिव्या भारती ने क्या क्या झेला और आखिर उस रात क्या हुआ था दिव्या भारती के साथ जो इतनी खूबसूरत और जिंदा दिल हीरोइन को सिर्फ 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ गया। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ तो था जो रह गया? आज हम आपको वो बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं जिसे जानकर आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर दिव्या भारती जैसा कामयाब उभरता सितारा कैसे बॉलीवुड और इस दुनिया को अलविदा कह गया। आपको ये सब जानने से पहले दिव्या भारती की शुरुआती दिनों को जानना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हम पहले दिव्या भारती की कुछ वीडियोस दिखा देते हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि वे कितनी जिंदा दिल और उनमें जीने की कितनी चाहत थी। दिव्या भारती जब भी किसी रियलिटी शो में जाती थी तो उनकी बातों से ही साफ झलकता था कि वे कितनी कामयाब बनना चाहती हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। और तारीफ करने वाला कैसा लगता है? उससे भी अच्छा। आप पहली दफा आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? पहले डर लग रहा था लेकिन अब अच्छा लग रहा है। दिव्या भारती उस समय अपने करियर की पीक पर थी। उस समय कोई भी हीरोइन उनको टक्कर नहीं दे पा रही थी। यहाँ तक कि उस टाइम की नंबर वन हीरोइन श्रीदेवी का भी जलवा कहीं ना कहीं दिव्या भारती के आगे फीका पड़ता जा रहा था। दिव्या भारती की एक फिल्म लाडला जिसमें उनके साथ अनिल कपूर एक्टर थे, उस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन दिव्या भारती के ना रहने के कारण ये फिल्म श्रीदेवी को ऑफर कर दी गई। श्रीदेवी और दिव्या भारती का चेहरा काफी मिलता जुलता था जिसके कारण मेकर्स को ज्यादा मुश्किल तो नहीं आई, मगर उस समय एक ऐसा हादसा जरूर हो गया था जिसके कारण फिल्म मेकर्स की जान सूख गई थी। असल में शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को दिव्या भारती ने जहां जहां एक्टिंग की थी वहीं पर उनको भी एक्टिंग करनी थी। दिव्या भारती इस फिल्म में एक जगह शूटिंग के दौरान बार बार एक डायलॉग भूल जाती थी। श्रीदेवी भी सेम डायलॉग को वैसे ही भूलने लग जाती हैं, जैसे कि दिव्या भारती भूल रही थी। ये देखकर सभी डर जाते हैं। तभी सभी ने गायत्री मंत्र का जाप किया, तब जाकर श्रीदेवी उस डायलॉग को सही से बोल पाई। लाडला फिल्म के अलावा दिव्या भारती आंदोलन, मोहरा, कर्तव्य और विजय पथ जैसी फिल्मों में काम कर रही थी जो उनके बाद किसी दूसरी हीरोइन को दे दी गई। ये सारी फिल्में बनने के बाद काफी हिट रही। दिव्या भारती का जन्म 25 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम प्रकाश भारती था और माता का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती के पिता एक बीमा कंपनी में काम करते थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की थी। दिव्या उनकी दूसरी पत्नी से हुई पहली संतान थी। दिव्या ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत मानकेजी कॉपर हाई स्कूल से की। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। वह बचपन से ही चीजों को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस रहती थी। वह अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहती थी और उन्हें कोई भी नया काम करने में काफी ज्यादा मजा आता था। एम्बिशन टॉप पे पहुंचने का है लेकिन अपना काम खुद करके, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जो भी बनूंगी अपने क्रेडिट पर बनूंगी, कोशिश तो यही रहेगी। और किसी और की पोजीशन नहीं चाहिए मुझे, अपनी पोजीशन खुद बनानी है। दिव्या अपने बचपन से ही काफी ज्यादा चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी। दिव्या भारती के इसी स्वभाव के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। दिव्या ने बहुत कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। जब वे मॉडलिंग की दुनिया में आए तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। दिव्या दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। मॉडलिंग की दुनिया में फेमस होने के बाद दिव्या ने फिल्मों की दुनिया में आने की जद्दोजहद शुरू कर दी। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। काफी बार रिजेक्ट होने के बाद उन्हें पहली बार एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। उनकी पहली फिल्म का नाम बेबुली राजा थी। ये फिल्म 1990 में आई थी। अपनी पहली ही फिल्म में अपने अभिनय के दम पर उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वे किस लेवल की अभिनेत्री हैं। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने का मौका मिला, लेकिन इन फिल्मों में उनका रोल इतना ज्यादा छोटा था उन्हें इन फिल्मों से अभिनय करने का मौका भी नहीं मिल पाया।
दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1992 में आई एक फिल्म विश्व आत्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट सनी देओल थे। विश्व आत्मा 1992 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में पहली बार दिव्या भारती के टैलेंट को लोगों ने देखा था। फिल्म में दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया एक गाना सात समुंदर पार भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था। इस फिल्म ने दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों की दुनिया का स्टार बना दिया था और उनके आगे हिंदी फिल्मों के ऑफर की लाइन लगा दी थी। विश्व आत्मा के बाद दिव्या भारती शोला, शबनम, दीवाना, दिल आशना जैसी कई फिल्मों में काम किया। 1992 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया था जिसमें बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रही थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान शाहरुख खान, ऋषि कपूर, गोविंदा जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया था। साल 1992 में फिल्म दीवाना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनकी आखिरी फिल्म रंग थी जिसमें उनके साथ कमल सदाना थे। दिव्या भारती का यह छोटा सा करियर संघर्षों से भरा था। सबसे पहले उन्होंने मॉडलिंग में सफलता हासिल करने के लिए काफी मेहनत की थी। इसके बाद कई असफलताओं के बाद उन्हें तेलुगु फिल्मों में काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हिंदी फिल्मों में स्थापित कर दिया और जब उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडेलवाला से शादी की। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान हुई जिसमें दिव्या भारती और गोविंदा मुख्य भूमिका में नजर आए। दिव्या भारती और साजिद नाडेलवाला को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया और 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। दिव्या भारती की जिंदगी में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। दिव्या भारती ने अपने माता पिता को शादी के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों के थे। उनकी शादी में उनके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। बाद में जब उन्होंने अपने पिता को शादी के बारे में बताया तो पहले तो वे काफी ज्यादा नाराज हुए मगर क्या करते बेटी की जिद के आगे फिर उन्होंने इस शादी को स्वीकार कर लिया। दिव्या भारती ने इस शादी के लिए अपना धर्म भी चेंज कर लिया था और अपना नाम बदलकर सना नाडेलवाला रख लिया था। बताया जाता है कि साजिद की शादी के बाद दिव्या अक्सर तनाव में रहती थी। इसी तनाव की वजह से उन्होंने काफी ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। उस रात भी वह शराब के नशे में ही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 5 अप्रैल 1993 को दिव्या चेन्नई से मुंबई वर्सोवा अपने फ्लैट में लौटी थी। उन्हें हैदराबाद जाना था पर पैर में चोट होने की वजह से शूटिंग टाल दी गई थी। फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पहुंची थी। तीनों मिलकर वहां पर शराब पी रहे थे। घर में दिव्या की मेड अमृता भी थी जो किचन में खाना बना रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या भारती ने बातों बातों में काफी ज्यादा शराब पी ली थी। इसके बाद वह ताजी हवा लेने के लिए अपार्टमेंट की खिड़की के पास चली गई। वहां वह अपना खिड़की पर पैर लटकाकर बैठी हुई थी। इस खिड़की पर ग्रिल नहीं थी। अचानक से उनका पैर फिसला और वह 5वीं मंजिल से नीचे जा गिरी। नीता लुल्ला, श्याम और अमृता उन्हें लेकर कूपर हॉस्पिटल पहुंचे लेकिन दिव्या को बचाया नहीं जा सका। इस खबर से पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। उस समय कईयों को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिव्या भारती के साथ कुछ ऐसा हो गया है क्योंकि अभी दिव्या के सर पर इतने सारे प्रोजेक्ट थे। किसी को अपनी फिल्म की टेंशन हो गई थी तो कोई ये सोच रहा था कि आखिर इतनी कम उम्र में इतनी खूबसूरत हीरोइन इस दुनिया को छोड़कर कैसे चली गई। इस पर काफी जांच की गई मगर कुछ खास साबित नहीं हो पाया। लोग आज भी इस पर अपनी अटखेलियां लगाते हैं मगर कानून सिर्फ सबूतों पर चलता है, अनुमान पर नहीं, जिस कारण दिव्या भारती की फाइल बंद कर दी गई। मगर आज भी दिव्या भारती का सच अधूरा है और शायद सारी उम्र ही अधूरा रहेगा। क्या आप भी दिव्या भारती को पसंद करते थे या फिर नहीं, कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। इतनी खूबसूरत अदाकारा के लिए जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए एक लाइक तो जरूर करें।